सो गाइस हियर इज़ द कार SUV 700। देखो फेस फ्रंट, ये लोगो बहुत बढ़िया है इसका, नया लोगो है, मैंने रोड पे भी देखी है तो बहुत अच्छी दिखती है बाहर। DRLs वगैरह काफ़ी परफेक्ट है इसमें, नीचे फॉग लैम्प भी है, फॉग लाइट, और टायर साइज़ भी बड़ा SUV है। Wow. Oh my God. Wow. What a feeling. It's a luxury feeling. Yeah. There it is. ये कुछ डिस्प्ले स्क्रीन आती है ऐसी। And then complete automatic car. Complete automatic. Wow. यहाँ दो lights. और ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसका काफ़ी बढ़िया है, ये कंप्लीट एक कनेक्टिंग उसमें है। एंड इसमें आपको जो रिंड स्क्रीन मिलती है वो मिलती है एरोनॉक्स की, और ये जो कंप्लीट है इसका जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम टॉप टू एंड, इट्स अ कंप्लीट ब्लैक फिनिश और ब्लैक एंड पीच कलर में है। दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ पीच, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड सीट कवर्स आई थिंक ओरिजिनल है, जो कंपनी से ही आ रहे हैं, तो ये भी कम्फी है। एंड थाई सपोर्ट भी अच्छा है, इधर पीछे भी हमें लाइट दे रखी है। चलो पीछे की तरफ चलते हैं। क्रूज यहाँ पर कंट्रोल्स है, AC कंट्रोल्स। अगर डोर कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बढ़िया है, 1 2 3 के नीचे कप होल्डर्स एंड और नीचे सेंसर लाइट। सो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया नहीं, पहले दिखाना भूल गया, कुछ इस तरीके का है। चलो आपको पीछे लेके चलता हूँ गाइस, लुक एट द बिहाइंड डोर पैनल्स। नीचे कप होल्डर है, कप होल्डर थोड़ा छोटा दिख रहा है मेरे को, एक छोटी बोतल आ सकती है इसमें। एंड यहाँ पर आपको एक बढ़िया फिनिशिंग में मिलता है, ब्लैक एंड पीच वेरिएंट कलर, बढ़िया है। यहाँ भी आपका ये आर्मरेस्ट बन सकता है, और यहाँ पर थोड़ी स्पेस है छोटे कप्स रखने की। पीछे भी सीट है, देखो पीछे ही बढ़िया सीट है, यहाँ सनरूफ है पूरे पे। पीछे AC वेंट्स भी है, एंड नीचे एक चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। तो गाइस ये है गाड़ी की बैक प्रोफाइल, जस्ट हैव अ लुक, द न्यू टेल लाइट लोगो, एंड ये है इसका बूट स्पेस। ज़्यादा नहीं है बूट स्पेस क्योंकि पीछे सीट है, एंड ये सीट भी आई गेस फोल्डेबल है, यहाँ से फोल्ड हो सकती है आराम से, तो पूरी एक बढ़िया बूट स्पेस बन सकती है अगर आप गाड़ी को 7 सीटर नहीं बनाना चाहते तो। एंड बैक में सेंसर्स भी होंगे, ये इसका पार्किंग कैमरा एंड सेंसर्स, नाइस।